एक नई पार्सल पैकेजिंग यूनिट हमारे यहाँ 31 जुलाई को शुरू की गई है, जिसका मूल उद्देश्य है पब्लिक जो इधर उधर पार्सल बुकिंग के लिए भटकते हैं पैकिंग कराने के लिए, वो सारी सुविधा यहाँ डाकघर के द्वारा अपने डाकघर के लोगों को दिया जाएगा। डाकघर के माध्यम से विदेशों में अपना प्रोडक्ट भेजने के इच्छुक व्यवसायियों के लिए डाक विभाग ने निर्यात केंद्र के माध्यम से एक बड़ी सुविधा प्रदान की है। इस योजना के तहत एक माह पूर्व ही बक्सर के प्रधान डाकघर में निर्यात केंद्र खुल चुका है। इसके साथ ही अब निर्यात केंद्र पर सामान के पैकेजिंग की भी विशेष सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके लिए उपभोक्ताओं को मामूली शुल्क देकर अपने सामान की बेहतर पैकेजिंग कराने की सुविधा मिलने लगी है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए पोस्टमास्टर अरविंद कुमार राय ने बताया कि डाकघर निर्यात केंद्र के माध्यम से निबंधित निर्यातक घर बैठे ही अपने उत्पाद दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं। इसके लिए उद्यमी का डाक विभाग के पोर्टल पर निबंधन होना आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि इस बीच सामग्री भेजने वालों की असुविधा को देखते हुए एक साथ आरा और बक्सर में पार्सल पैकेजिंग इकाई की शुरुआत कर दी गई है। इसके लिए डाकघर में विशेष काउंटर भी बनाया गया है, जहां पैकेजिंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। एक नई पार्सल पैकेजिंग यूनिट हमारे यहां 31 जुलाई को शुरू की गई है, जिसका मूल उद्देश्य है पब्लिक जो इधर उधर पार्सल बुकिंग के लिए भटकते हैं पैकिंग कराने के लिए, वो सारी सुविधा यहाँ डाकघर के द्वारा अपने डाकघर के लोगों को दिया जाएगा, और उसी में पैक करके इनका सामान वो कहीं भी भेजा जा सकता है, जिसके लिए ग्राहक को न्यूनतम दर पर जो रेट फिक्स है उनको पारिश्रमिक रूप में विभाग को देना, मतलब वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पर लाएंगे तो उनका पार्सल, बिल्कुल उनका पार्सल बुक हो जाएगा। उसके लिए अलग से केंद्र भी खोला गया है, एक यहाँ सेंटर खोला गया है जो कि ये सेंटर उनको सुविधा उपलब्ध कराएगा। कितने बजे से कितने बजे तक सर ये सुविधा? ये 10 बजे से 4 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार और शनिवार को 2 बजे तक ये सुविधा उनको काउंटर पर उपलब्ध रहेगी। तो ये सुविधा भी सर पहली बार आई है? फर्स्ट बार ये सुविधा इस डाकघर को मिला है, पब्लिक को सेवा करने का मौका मिला है, और हम चाहेंगे कि जितने भी इस तरह के लोग हैं इसका फायदा उठाएं, डाकघर इसमें पूरा सहयोग। लोग सर इसका फायदा ले रहे हैं? अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है।